हमें बताओ कि उत्पादन का ही देखेंगे। देखिए किसान को अगर अपनी उपज का दाम नहीं मिलेगा उसकी रुचि खेतीबाड़ी से लग हटेगी, कर्ज तले दबेगा, आत्महत्या करेगा, खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो गरीब भूख से मरेगा। और ये सच है, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था और गरीब भूख से मरता था। सरकार को कहीं भी लज्जा नहीं आती थी क्योंकि सरकार तो अपनी मस्ती में जी रही थी। पांच कालिदास के बाहर तो कोई निकलता ही नहीं था, निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। और उसका परिणाम क्या था, प्रदेश के अंदर अगर धान का उत्पादन 12 से 17 के बीच में केवल 144 लाख मीट्रिक टन हुआ तो 17 से 21 के बीच, अभी हम 22 में नहीं पहुंचे, 21 के बीच में 171 तक पहुंचा है, 171 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। धान क्रय की कार्रवाई चल रही है पांचवें वर्ष की। गेहूं 149 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, 12 से 17 349 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ 12 से 17 के बीच, और 17 से 21 के बीच में होता है 375 लाख मीट्रिक टन। दलहन 74 लाख मीट्रिक टन होता है 12 से 17 के बीच और 95,90,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है 17 से 21 के बीच। तिलहन 41.76 लाख मीट्रिक टन होता है 12 से 17 के बीच और 69.67 लाख मीट्रिक टन होता है 17 से 21 के बीच। और खरीददारी अगर आप देखेंगे लगभग दुगने का अंतर है, धान 123 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच में आढ़तियों के माध्यम से खरीदा जाता है और हमारी सरकार में अब तक अभी चल रहा है ये लगातार अभी जनवरी तक प्रोक्योरमेंट चलेगा, 244 लाख मीट्रिक टन हम अब तक खरीद चुके हैं, सीधे किसानों से खरीद चुके हैं, बीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में जा रहा है। गेहूं 12 से 17 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन खरीदारी हुई आढ़तियों के माध्यम से और हमारी सरकार ने 94 की तुलना में 210 लाख मीट्रिक टन किसान से सीधे खरीदा गया और वह पैसा उनके खाते में गया। किसान जो लाभान्वित हुए 12 से 17 के बीच 14,87,000 किसान लाभान्वित हुए, धान में गेहूं में लाभान्वित हुए 19,02,000। और हमारी सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान अभी जो चल भी रहा है, जो किसान अब तक लाभान्वित हो चुके हैं, 14 लाख की तुलना में हमारी सरकार में लाभान्वित किसानों की संख्या 31,88,000 और गेहूं में 43,75,000 किसान लाभान्वित सीधे सीधे हुए हैं जिनसे हमने उपज खरीदा है, उनको उपलब्ध कराया है। महोदय जो धनराशि उन्हें उपलब्ध कराई गई अगर मैं देखूं तो गेहूं और धान के किसानों को जो कुल धनराशि उपलब्ध कराई गई, यह धनराशि गेहूं में 12,800 करोड़ रुपए, यह 12 से 17 के बीच में और 17 से 21 के बीच में उपलब्ध कराई गई 36,405 करोड़ रुपए, यानी 3 गुना ज्यादा धनराशि किसान के पास गई है। धान में 17,190 करोड़ रुपए 12 से 17 के बीच और 17 से 21 के बीच में अब तक धान में हम लोग 41,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में दे चुके हैं। गन्ना किसानों का अगर हम देखें तो 12 से 17 के बीच में गन्ना किसानों का 90,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था और 17 से 21 के बीच अब तक 1,48,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2,54,000 किसानों के खाते में अब तक 37,000
2,54,00,000 किसानों के खाते में 37,521 करोड़ रुपए अब तक दे जा चुके हैं और हमारी सरकार ने आने के साथ ही किसान जो कर्ज के तले दबा हुआ था ऐसे 86,00,000 किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के कार्यक्रम को भी आने के साथ ही सरकार ने आगे बढ़ाया। महोदय, अगर मैं किसान की बात करूं तो पिछली सरकार के समय सिंचाई योजनाओं के लिए जो वहां पर कार्य हुआ था, मुझे लगता है कि 12 से 17 के बीच 1,00,000 हेक्टेयर की भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और 17 से 22 के बीच में 21 के बीच में जो हम लोग सिंचन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं यह 22,00,000 हेक्टेयर से अधिक है। अभी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित की है। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, ये 9 जिले सीधे से लाभान्वित हो रहे हैं और जो इन सहायक परियोजना का अभी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये सभी जनपद इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही बाणसागर परियोजना मिर्जापुर और प्रयागराज जनपद इससे लाभान्वित हो चुके हैं। 18 में बंदई बांध, जमरार बांध, मोधा बांध, पहुंच बांध, पहुंचुरा बांध, गुंटा बांध, रसिन बांध, जखनौल पंप नहर प्रणाली, ये तमाम जो परियोजनाएं लगभग 17 परियोजनाओं को हमारी सरकार जो तीन चार दशक से लंबित थी उन योजनाओं को पूरा किया, उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा किसानों को प्राप्त हुई और किसान उससे लाभान्वित हो रहा है। महोदय, अगर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे